हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है। और टैली प्राइम के अंदर एक हमारे व्यूअर हैं जिनका सवाल ये है कि सर, जब भी हम एंट्री करने जा रहे हैं तो हमारा डेबिट और क्रेडिट ऑप्शन गायब हो जा रहा है। आपके में तो नजर आ रहा है लेकिन हमारे केस में तो गायब हो जा रहा है, तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? तो देखिये, सोल्यूशन में कई बार बता चुका हूँ आपको, फिर से बता देता हूँ इस वीडियो में, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर हमें रिसिप्ट बाउचर में एंट्री पास करनी है तो पहले तो कोई कंपनी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए यही एकेडमिक कंपनी है, इसी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर हमें रिसिप्ट बाउचर में एंट्री पास करनी है, तो रिसिप्ट बाउचर में जाने के लिए तो पहले तो बाउचर में जाना पड़ेगा, अकाउंटिंग बाउचर में। तो यहाँ देखिये, नीचे बाउचर दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन है। यहाँ से टैली प्राइम के अंदर ट्रांजेक्शन के अंदर ये पहला ऑप्शन बाउचर्स है, तो बाउचर्स पे जाने के लिए देखिए वी हाईलाइट है। यहाँ पे आप देखेंगे तो वी एक अलग कलर में, ब्लू से कलर में आपको दिखेगा। तो जिस पे भी जाना है उसका पहला अक्षर हाईलाइट होगा या जो भी अक्षर। अब हम चलते हैं वहीं पर, तो यहां पर वी बटन प्रेस कर देते हैं। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन है, तो यहां पे वी हाईलाइट। अब जैसे मान लीजिए आपको डेबुक में जाना होता तो आप क्या करते, के प्रेस कर देते, अगर बैंकिंग में जाना होता तो एन प्रेस कर देते। तो एक अक्षर इसमें, एक कैरेक्टर इसमें हाईलाइट है। बैलेंस शीट में जाना होता बी प्रेस कर देते, प्रॉफिट एंड लॉस देखना होता पी प्रेस कर देते, स्टॉक समरी देखना होता एस प्रेस कर देते, रेशियो एनालिसिस देखना है आर प्रेस कर दीजिए। तो सबका जो हाईलाइट है ना उसी को प्रेस करना है, तो हमें जाना है बाउचर्स में, तो हम वी प्रेस कर देते हैं, तो वी प्रेस कर दिया। वी प्रेस करते ही आ गया बाउचर में। अब कौन सा बाउचर, तो हमें चलना है रिसिप्ट बाउचर में। कौन से बाउचर में, रिसिप्ट बाउचर में। फिलहाल पेमेंट बाउचर में भी आपको यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट ऑप्शन तो नहीं नजर आ रहा है, तो बिल्कुल इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। यहां से पहले हम क्या करते हैं, रिसिप्ट बाउचर में क्विट करते हैं। तो रिसिप्ट बाउचर में जाने के लिए आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी है F6। क्या प्रेस करना है, फंक्शन बटन F6। तो F6 प्रेस कर लीजिए। अब यहां पर भी तो नहीं नजर आ रहा है डेबिट क्रेडिट, तो क्या करेंगे, तो यहां से कीबोर्ड से फंक्शन बटन आप प्रेस कीजिए F12। क्या प्रेस करना है, F12। जैसे ही F12 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर आपको डेबिट और क्रेडिट ऑप्शन तो यस मिल रहा है, किसी किसी के में क्या होता है ये नो होता है, तो यहां पर नो होगा तो ऐसे नजर आएगा। तो आपको करना क्या है, यहां पर जाकर के वाई प्रेस करके एंटर कर देना है, खाली वाई प्रेस करके एंटर करके एंटर 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 लास्ट तक एंटर एंटर करते जाइएगा, तभी ये एक्सेप्ट होगा, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अभी तो आ नहीं रहा है, तो यहां पर साइड में आप देखेंगे तो चेंज मोड दिया गया है और इसके नीचे एच, यहां पे एच बना हुआ है और एच के नीचे दो लाइंस बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि ये बटन आपको कंट्रोल के साथ दबाना है, अगर एक लाइन बनी होती तो वही बटन आपको अल्ट के साथ दबाना होता, जैसे कि यहाँ पे स्टार्ट एडजस्टमेंट दिया गया है ना, तो इसके नीचे जे के नीचे एक लाइन बनी हुई है, तो इसका मतलब कि ये बटन आपको अल्ट के साथ दबाना है। लेकिन हमें तो फिलहाल जाना है चेंज मोड में, तो चेंज मोड के नीचे दो लाइन्स बनी हुई है, इसका मतलब है कि ये बटन आपको कंट्रोल के साथ दबाना है, तो कंट्रोल के साथ एच दबाइए, ये ओपन हो जाएगा और यहां से इसे डबल एंट्री मोड बना लीजिए। अब आपका काम आसान हो जाएगा। अब देखिए यहां पर क्रेडिट और डेबिट नजर आने लगा है, ठीक है। अब एक समस्या और भी होती है कि यहां पर सर देखिए ना, क्रेडिट ही आ रहा है, यहां पर भी क्रेडिट, यहां पर भी क्रेडिट, तो इसके लिए भी आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहां पर क्या करिए, रिसिप्ट वाउचर में हमेशा कैपिटल अकाउंट का लेजर आता है, तो अल्ट सी करके एक लेजर बनाते हैं कैपिटल अकाउंट का, तो ये हो गया कैपिटल, ए ऑब्लिक सी करेंगे अकाउंट हो जाएगा, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, यहां पे अकाउंट हो गया और यहां पर एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, तो कंपनी में लगाया जाने वाले फंड कैपिटल ही कहलाता है। ये मैंने कई बार बताया है आपको, और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराइए। अब कितना कैपिटल आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी कंपनी में वो देख लीजिए, एंटर कर दीजिए। यहां पर क्रेडिट आ रहा है ना, तो फिर यहां कैपिटल का ही लेजर लगा लीजिए, अमाउंट आपको डालने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो यहीं पर डेबिट लेके आ सकते हैं, कैसे लेके आएंगे, यहां पर देखिए DR लिखिए और एंटर कर दीजिए, और यहां पर तो कैश आ जाएगा, तो यहां पर कैश कर दीजिए और कैश यहां पर आएगा, लेकिन नीचे भी आपको डेबिट दिखा रहा है, तो यहां पर आप कैश अमाउंट चाहे तो फिल कर सकते हैं, लेकिन यहां पर छोड़ दीजिए, यहां पर आपको नहीं करने की जरूरत है, नीचे आइएगा तो यहां पर वापिस से कैश लगा करके और यहीं पर अमाउंट फिल कर लीजिएगा, ठीक है। यहां पर आए, अब अमाउंट ऑटोमेटिक फिल भी हो जाएगा, अगर आपने ऊपर नहीं किया होगा तो अमाउंट ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, तो डेबिट और क्रेडिट चालू करने का ये तरीका है, ठीक है ना। अब देखिए आप किसी भी वाउचर में जाएंगे तो आपको डेबिट क्रेडिट ऑप्शन चालू मिलेगा, जैसे कंट्रा में गए F4 प्रेस करके तो यहां पर भी क्रेडिट ऑप्शन आने लगा, जनरल वाउचर F7 प्रेस करके जाएंगे तो यहां पर भी डेबिट ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, तो हर जगह आपको डेबिट और क्रेडिट तो नजर आएगा ही आएगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं
कि आपको क्या दिक्कत हो रही है टैली प्राइम के अंदर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।